वार्ड क्रमांक 9 से अशोक यादव है पार्षद पद के दावेदार। अशोक यादव का कहना, वार्ड में सफाई की है जरूरत। पार्षद बनने पर वार्ड में सफाई की होगी पूरी व्यवस्था। वार्ड को बनाएंगे आदर्श वार्ड। वार्ड में पानी की है समस्या। जनता को मिलेगा पानी। जनता को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। जनता के पास नहीं है राशन कार्ड, पेंशन और मजदूरी डायरी। नमस्कार, केएनएन के खास शिव बोलता मोहल्ला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू यादव और आज हम मौजूद है वार्ड क्रमांक 9 में, जहां पर हम जानेंगे जनता से कि आखिरकार उनके पार्षद ने क्या क्या कार्य किए हैं और क्या पार्षद के कार्यों से वो संतुष्ट है या नहीं। आइए हम जानते हैं जनता से, आपके पार्षद ने आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं पाँच सालों में। पार्षद में क्या, यही रोड बनवाया और क्या करवाया। पाइप इधर पानी के ठिकाने नहीं, पानी नहीं आता। अच्छा, पीने का पानी नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, डैनेज को लेके कोई समस्या? डैनेज तो है ही नहीं ना, लाइन नाली में ही है सब। अच्छा, नाली में ही पानी जाता है अभी? हाँ। आती है? कौन है पार्षद? कौन है? क्या अनीता सर्विस के बारे ना, कभी आई है वो तो बहुत कम आते पर उनके पति आते हैं। अच्छा, तो वो भी मतलब पूछ के चले आते, देख के चले आते। अच्छा, समस्या मतलब सुन के देख के चले जाते हैं, उसका कुछ निराकरण नहीं होता है ना। अच्छा, और पीने के पानी की बात की जाए तो पीने का पानी नहीं आता यहाँ? नहीं आता ना, नल नर्मदा का। अच्छा, ठीक है। क्या पानी नहीं आता यहाँ पर पीने का? फिर कैसे कैसे अपना बोरिंग से भर के लाते हैं? हमको पानी भर के लेके आना पड़ता है पानी। अच्छा, अभी पानी नहीं आ रहा है कुछ भी? सफाई को लेकर क्या? सफाई तो बहुत गंदगी हो रही पीछे गली में। पीछे अच्छा, सफाई वाले नहीं आते? नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। फोन करना पड़ता जब कहीं आते हो। और क्या क्या समस्या है आपके बात में? यहाँ पर तो सभी समस्या आएगी। अच्छा, यहाँ पानी भी रुक जाता, पानी भी नहीं आता, पीने का पानी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पीने का पानी। पीने कहाँ से भरते हैं? बोरिंग का वहाँ रोड पे से लाना पड़ता है। रोड पे से पानी लेके आना पड़ता है? ये है ना, ये कोने पे है ना। अच्छा, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। और गर्मी में तो बहुत ही टैंकर आता, वो भी नहीं आता। जो पार्षद है वो कभी टैंकर पहुँचाते हैं, क्योंकि बोरिंग से लाना पड़ता है काफी दूर। अभी नहीं आए थे गर्मी में। गर्मी में आते? गर्मी में भी नहीं आए। गर्मी में भी नहीं आए। अब आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, कैसे किस पार्षद को आप चुनेंगे? अगर वो वापस आएंगे आपसे वोट मांगने तो क्या उनको वोट देंगे आप? उनको जो पार्षद अच्छा होगा उनको देंगे। अच्छा, पार्षद क्या वोट देंगे? वो भी तो क्या इधर का काम करवाएगा, जो समस्या का हल करेगा उनको देंगे वोट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैडम क्या क्या समस्या है पार्षद? तो पीछे बहुत गंदगी हो रही है। अच्छा, गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा पीछे, सफाई नहीं है बिल्कुल। अच्छा, पानी की समस्या? पानी की तो बहुत दूर दूर से भर के लाए हम लोग। पानी बहुत दूर दूर से भर के फिर टैंकर आते थे गर्मी में। गर्मी में टैंकर आते अभी नहीं है। अब अभी पानी अभी तो ये समस्या अभी नहीं आई, फिर अभी तो ठंड चल रही है, अब गर्मी आएगी। लेकिन अब जो रोज रोजाना की जो दिनचर्या है उसके लिए भी तो पानी आप लेके आ रहे हैं? हाँ, उसके लिए तो भर आते हैं। अच्छा, बोरिंग की लाइन में अभी जैसे बोरिंग कराई है तो उसके लिए भी पानी की जो लाइन वगैरह है? चालू बिल्कुल भी नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, लाइन ही नहीं लगी, बस बोरिंग करके पटक दिया। बोरिंग करके पटक दिया। पानी की यहाँ पर समस्या देखने के लिए मिल रही है कि सिर्फ बोरिंग करा गया है लेकिन वो बोरिंग से बंद है, कहीं दूर से पानी लाना पड़ता है। सफाई की अगर बात की जाए तो सफाई भी नहीं की जा रही है इस वार्ड में, काफ़ी गंदगी है। साथ ही डैनेज की अगर बात की जाए तो डैनेज की लाइन कहीं डली है, कहीं नहीं डली है। तो ऐसे कुल मिलाकर वार्ड में ये तीन बड़ी समस्या तो अभी तक देखने के लिए मिल रही है कि गंदगी बहुत है, पानी लोगों को दूर से लेकर आना पड़ रहा है, भर के लाना पड़ रहा है, नर्मदा का पानी नहीं आ पा रहा है, जो बोरिंग करवाई गई है बोरिंग भी बंद है। इस तरीके की तमाम समस्या इस वार्ड में हमें देखने के लिए मिली है। और भी जनता से हम बात करवाएंगे आपको कि आखिर वार्ड में उनके पार्षद ने क्या कार्य किए हैं और क्या कार्य नहीं किए हैं, उनके कार्यों से कितना जनता है संतुष्ट और कितना नहीं। वार्ड में हमने कई समस्याएं देखी और देखा कि बहुत गंदगी है इस वार्ड में। हमारे साथ अभी मौजूद है इस वार्ड के प्रबल दावेदार अशोक यादव जी, उनसे हम जानते हैं कि आखिर दावेदारी पेश कर रहे हैं किस तरीके की योजनाएँ, क्योंकि जो जनता से हमने अभी जो फीडबैक लगा उन्होंने तो कहा कि काम नहीं हुआ है।
सर से जानते हैं कि आगे अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है और ये जीतते हैं तो आखिरकार इस वार्ड को कैसे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार केएनएन में आपका स्वागत है। नमस्ते। कैसे आप इस वार्ड को डेवलप करेंगे क्योंकि देखा कि कई जगह रोड़े खुदी हुई हैं, गंदगी है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, टैनेज की भी लाइन नहीं डली है कहीं। जब इंदौर पूरे देश में स्वच्छता नंबर वन में आया है तो निसंदेह 9 नंबर में भी काम होना था। चूँकि कांग्रेस के पार्षद होने से हो सकता है उन्होंने एक दिल से इच्छा से आम जनता का ये काम नहीं किया हो। आपने भी देखा है कि पूरी गंदगी, कोई दरोगा यहाँ का, कोई मजदूर कोई सुनता नहीं है यहाँ पर सफाई के संबंध में। और यदि कोई शिकायत करने जाता है तो बोले क्यों आपने हाउस टैक्स भरा कि नहीं, आपने बिजली का बिल भरा कि नहीं, नल का टैक्स भरा कि नहीं, आपने शिकायत कैसी कर दी। ये तमाम जो समस्या हैं मोहल्ले की या पूरे वार्ड की, ये सफाई में तो मैं समझता हूँ कि इधर कोई ध्यान नहीं देने वाला। सफाई में जैसे कि कोई ध्यान नहीं देने वाला है ऐसा सर ने हमें कहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर मैडम सबसे पहले तो ये बताइए आपके वार्ड की पार्षद का कभी मिले हैं आप उनसे, कभी देखा है उन्होंने? नहीं मिले तो बहुत कुछ है बाद में, पर सफाई के मामले में अभी कुछ नहीं। अच्छा, आती हैं आपसे मिलने, मतलब वार्ड में मिलने आती हैं आपसे ऐसे कि मैं पार्षद हूँ और पार्षद द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं, ऐसे कभी हालचाल लेने की, क्या आपको किन चीज़ों की परेशानी, इन सभी चीज़ों के लिए कभी आई हैं वो? नहीं, वो तो नहीं आई है, पर वो कभी कभार तीज त्यौहार कभी मिलते हैं कोई फंक्शन में तो बराबर। अच्छा, फंक्शन में मिलते हैं तो ऐसे कभी नहीं आई है जी। अच्छा, क्या क्या समस्या है मेन अगर मुद्दों की बात की जाए वार्ड में, कि आप रहवासी हैं इस वार्ड की, क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? मुख्य समस्या नल की, पानी के नहीं आते नलों में और गलियां साफ नहीं रहती। अच्छा, कंप्लेन करी आपने इसकी? कंप्लेन करे, आते हैं तो 8-15 दिन में एक आध राउंड लगाते हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते। अच्छा, अगर बात की जाए राशन कार्ड की, पेंशन की, तो इन सब चीज़ों की भी सुविधा इस वार्ड में है? मैंने तो आज तक ये बात तो राशन कार्ड की कभी करी नहीं, बंद हो गया। अच्छा, ठीक है, और भी महिलाएं हमारे साथ में हैं। मैडम क्या समस्याएं हैं इस बार? ये हमारे चैम्बर साफ होते नहीं है, हमने भोपाल तक भी शिकायत करी, फिर उसके बीच में आए भी थे अधिकारी लोग, देख के गए, मतलब हम आते हैं सोमवार को, आए ही नहीं अब तक, मतलब सिर्फ देख के जाते हैं और समस्याओं को समाधान नहीं होता, समाधान ही नहीं हो रहा ना बिल्कुल भी। और ना तो पानी की भी समस्या, पानी की भी समस्याएं, अभी कैसे पानी की समस्या है, तो अभी कैसे आपका मतलब दिनचर्या से है? इसके उसके नल से पानी भरते हैं। अच्छा, हमारे इधर आते ही नहीं नल नहीं आते हैं, बोरिंग है सरकारी उससे भरते हैं। सफाई के लिए सफाई वाली आती है आप? सफाई वाली भी आती है तो उसको भी बोल के करवाओ, जब वो करती है उनको भी पैसे दो, हर त्यौहार आए कुछ भी आए तो 10 रुपये चाय के दो, जब वो काम करते हैं। क्या समस्या मैडम बाटी? नहीं, राशन कूपन है ना कुछ है, पेंशन भी नहीं है, मिलते ही नहीं है कुछ भी, और जिनके पास है वो है साथ ही तो उनको सब कुछ है उनके पास, अब हम गरीब हैं उनके पास कुछ है ही नहीं ना, कूपन बनाना कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं मिली आपको? कुछ भी नहीं मिली, पानी के लिए भी भटकना पड़ता है इधर उधर। अभी 3 महीने से बोरिंग हो गया था खराब, तो इनसे बोला तुमने टैंकर मंगा के पानी। अच्छा, पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम भर के, आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं, कैसा पार्षद आप आपके क्षेत्र के लिए चाहते हैं कि कैसा पार्षद हो और किस तरीके से आपके वार्ड को वो डेवलप करें? मतलब हमें, मुझे ऐसे पार्षद की ज़रूरत है कि वो अपने मतलब हम लोगों की सुने, और हम लोग कभी रात बिरात काम पड़ जाए तो हम उनका दरवाज़ा खटखटाए तो वो आ जाए, मतलब है इनको, हम लोगों को देखो जरूरत पड़ती है, हमें नहीं लोगों को ही बुलाते। अच्छा, अभी जैसे कि यहाँ से आपके वार्ड से अशोक यादव जी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कैसे इन्हें देखते हैं, इनके कार्य को देखते हैं? सब देखते। अच्छा, अगर पार्टी अगर टिकट देती है तो क्या आप वोट देंगे? देंगे ना, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसे सहारा मिलता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग को रात बिरात जो भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, वकील साहब ने हमारे संघ के बगीचे का काम किया, वो भी हम लोग सब करते हैं, अब ये बोल रहे हैं खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही बात कुछ भी बात होती तो खड़े हो जाते हैं, सभी काम करवाते हैं, सबकी सहायता करते हैं बगीचे का। अच्छा, क्या क्या काम पार्षद ने करवाया पहले तो आप ये गिनाओ मुझे, कमियां तो बहुत ही ना दी। बहुत हम लोग मतलब जो कमी इन्होंने बताई, हम एक ही लाइन में रहते हैं,
और जो कमी है वो तो भाभी ने भी बता दिया है और मैं भी वही बताती हूँ। पानी की भी परेशानी है और पीछे की गली कितनी ख़राब हो रही है और कोई भी काम हो तो पार्षद को ढूंढने जाओ तो कहाँ जाओ, ये बताओ। फोन लगाते हैं तो बोले हाँ आते ही नहीं, मोबाइल ही नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि आप पार्षद के द्वारा किए गए कार्यों को बताओ, कमी तो मैंने बहुत जानी, एक ऐसा कार्य जो पार्षद ने कराया हो। हम क्यों, कौन सा कार्य बता दे, हमारा गरीबी रेखा का कूपन बंद ही नहीं बने हमारे, चल भी नहीं सकते हम, हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है। कब से देख के रखा हमने कूपन के लिए भी, और हमारे यहाँ पूरा गली आप देख के आए कितनी गंदी हो रही है, और ये भैया है तो इनको पानी की समस्या होती थी, इनको बोलते हम तो दुर्गा मंदिर से पानी करते पीने का, हमारी बेटी है वो लेके जाती है, हमसे तो पानी उठता नहीं है, भैया चिल्लाते रहे यहाँ से भर के देते हैं ये पानी, हमारे बोलते हैं यहाँ से भर ले बेटा, बोले मच्छा। मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए तो पार्षद ने कोई काम नहीं करा है? पार्षद ने काम तो जो करा हो नहीं करा हो ये तो हमको तो नहीं दिख रहा कि पार्षद ने कौन सा काम कराया है, भाई भैया हमारा काम करवाते, रात को भी अगर कभी कोई भी बात की समस्या होती है फोन लगा देते हैं तो भैया दरवाजे खटखटाते हैं रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे,